अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। तमोघासा मोघक कर्माणो मोघ ज्ञाना विवेचसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सिता। अर्थात मोघासा जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए, उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। तंबोग कर्माण भगवान ने विमुख हुए मनुष्य शास्त्र वेद कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र वेद यज्ञ दान आदि कर्म भी करते हैं तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वो उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं, अंत में रीते के रीते रह गए। अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र वेद कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत फल देने वाले हो जाते हैं। तो कर्म चैव तदर्थियम सदित्येवाद दीयते। भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनको ये सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोघ ज्ञाना उनके सबका ज्ञान व्यर्थ है। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब शाखाएं भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार की कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंकी भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। विचेतसः उनको सार असार नित्य अनित्य लाभ हानि कर्तव्य अकर्तव्य मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। तो राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता,
जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तो जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, फिर राजी हो गए। वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं, परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है वो आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो तीन प्रकार की प्रकृति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है, उनके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है, कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सम अनर्थ परंपरा आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के तीन भेद यहां बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की आसुरी राक्षसी, और मोह मूर्ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहां कामना की प्रधानता होती है वहां राक्षसी प्रकृति क्रोध आ ही जाता है। तो कामात क्रोधो अभिजायते, और जहां क्रोध आता है वहां मोहिनी प्रकृति मोह आ ही जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मुक्ता से भी होता है। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने आगे किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वो तो उनको नहीं मिलता, मोह कुहलास मोह साह, पर अनिष्ट फल दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं, भगवान में क्या फर्क पड़ता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।